सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल इसी कोशिश में था कि इस मर्डर मिस्ट्री को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, लेकिन सच्चाई छुपता नहीं है। जी हां, मर्डर के 10 महीने बाद एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसको जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो सच्चाई हाथ लगी है जिस सच्चाई को जानना पूरी दुनिया चाह रही थी, और सुशांत के फैंस लगातार यही कह रहे थे कि सुशांत मर्डर मिस्ट्री की असली वाली बात हमें बता दो। जी हां, रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत का बेहद ही करीबी माना जाता था और सबसे बड़ा राजदार भी। रिया चक्रवर्ती ने वो खुलासा किया है और वो खुलासा मशीन पर उन्होंने किया है। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से लाइट डिटेक्टर के जरिए रिया ने वो सारे राज खोल दिए हैं जो कि 14 जून की रात को हुआ था। जी हां, रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दिया ये पूरी दुनिया जान रही है, और फिर रिया चक्रवर्ती आरोपी नंबर 1 साबित हो गई और केस दर्ज किया गया। केस चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। इसी दौरान सीबीआई को एक सूझ दिखाई दी। जी हां, वो सूझ है लाइव डिटेक्टर टेस्ट की। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ 7 ऐसे लोगों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया गया है, जिसके बाद सीबीआई लगभग कातिलों तक पहुंच चुकी है। वो कातिल कौन है, किसका किसका लाइव डिटेक्टर टेस्ट हुआ है, वो वीडियो, वो सबूत, वो ऑडियो, सब कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं सब कुछ आपके सामने लीक करने वाला हूं। दोस्तों, सच को जितना छुपाने की कोशिश की जाए वो सच उतना ही उभरने की कोशिश करता है। मीडिया और जांच एजेंसी ने यही अफवाह फैलाई कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को ही सुशांत का घर छोड़कर चली आई थी। ये बात भी सच है, लेकिन 8 जून के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर नहीं गई थी। ये बिल्कुल भी गलत साबित हुआ। जी हां, ये साबित हुआ है कि रिया चक्रवर्ती 13 जून को भी सुशांत के घर गई थी, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि किस तरीके से खुद रिया ने सुशांत की मौत का असली राज खोला है। आखिर 14 जून की रात को क्या हुआ है, यह सब कुछ बताया जा रहा है कि मीडिया में लीक हो गया है और दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के बयान से ही असली कातिलों तक सीबीआई पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं आपको 2-3 लाइन में इस बात का जिक्र कर देता हूं कि रिया चक्रवर्ती का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी चल रहा था। उस अकाउंट में किस तरीके से 13 जून वाला तस्वीर पोस्ट किया गया था, और वो तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत के घर की थी। रिया चक्रवर्ती और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग थे जो उस अकाउंट को हैंडल कर रहे थे। 13 जून की रात को उसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की गई थी और वो तस्वीर सुशांत सिंह राजपूत के घर की बताई जा रही है। तस्वीर में रिया चक्रवर्ती मैंगो केक खाती हुई दिख रही है, और इस बात का दावा किया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में 13 जून को एक पार्टी हुई थी जो कि मैंगो केक पार्टी थी। और कुछ लोग यह भी दावा कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 13 जून की रात को ही कर दिया गया था, इसलिए जब उनकी लाश को उनके घर से निकाला गया तो वो लाश बेहद ही पुरानी दिख रही थी। लेकिन उस दावे में कहा गया था कि 2-3 घंटे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती ने आखिर क्या कहा है, ये सब कुछ मैं आपके सामने लीक करने वाला हूं। इंटरनेट पर एक खबर तेजी से वायरल चल रहा है। उस वायरल खबर में इस बात का दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती समेत 7 ऐसे लोगों का लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया गया है, जिसके बाद सीबीआई को कई सुराग मिल चुके हैं। रिया चक्रवर्ती ने 13 जून और 14 जून की रात वाली सच्चाई को सीबीआई के सामने कबूल दिया है, और वो मशीन, जी हां, जिस मशीन पर रिया चक्रवर्ती को बिठाया गया था लाई डिटेक्टर टेस्ट के दौरान, उस मशीन में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। वायरल होने वाली इस खबर पर हमारी टीम पूरी तरीके से पड़ताल कर रही है। अगर वाकई में रिया चक्रवर्ती का लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है तो हम पूरे सबूत के साथ उस खबर को रखेंगे। लेकिन एक खबर में यह भी दावा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती समेत 7 लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट जरूर किया जाएगा। क्या वाकई में हो गया है या फिर किया जाएगा, जल्द ही इस खबर को पूरे सबूत के साथ रखेंगे। सत्य की हमेशा विजय होती है, और सुशांत सिंह राजपूत मामले में यही होगा। पूरी दुनिया इस उम्मीद में है कि सुशांत का असली कातिल सीबीआई के पंजे में जरूर आएगी और उनको सजा जल्द ही मिलेगी। आखिर वो लोग कहाँ हैं जिसने रिया चक्रवर्ती को निर्दोष कहा था और सुशांत का खिलाफ किया था, आखिर वो कहाँ है? उन लोगों की बोलती बंद है जिन्होंने रिया का समर्थन किया था। सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती 8 जून को चली आती है। अब यहाँ से सुराग मिलता है कि किस तरीके से उनका मर्डर हुआ, और उसी दिन तिशा सालियान की हत्या हो जाती है। ये आपको पुरानी जानकारी लग रही होगी, लेकिन इसी जानकारी से जो नया सबूत मिला है वो अब क्लियर होने वाला है। 8 जून को तिशा सालियान का मर्डर होता है, उसके बाद ठीक 6 दिन बाद 14 जून को सुशांत की भी हत्या हो जाती है, और इस पूरे मर्डर को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए मुंबई पुलिस, सरकार, सुशांत के करीबी तमाम ऐसे लोग कोशिश करते हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया के सामने लगभग ये तय हो चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत का
मर्डर नहीं, उन्होंने आत्महत्या की है। दावा किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार डिप्रेशन में थे, लेकिन सुशांत का चेहरा हाव-भाव एक्टिविटी और सुशांत ने एक दिन पहले जो 5 मिनट तक कॉल करके बातें की थी, अब वो भी लीक हो चुका है। जी हाँ, 2:15 से 2:30 बजे के बीच में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने क्रिएटिव मैनेजर को कॉल किया था। और उस कॉल में क्या है, क्या वाकई में सुशांत ने अपने जान की रक्षा मांगी थी, क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत गिड़गिड़ा रहे थे? 2:15 से 2:30 बजे के बीच में लगातार सुशांत सिंह राजपूत और उनके क्रिएटिव मैनेजर के बीच बातचीत हुई। भला कोई इंसान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हो, अपने उज्जवल भविष्य के बारे में बात कर रहा हो, बातचीत के दौरान खुश लग रहा हो, वही इंसान कुछ वक्त बाद, कुछ घंटे बाद क्यों मौत को गले लगा लेगा? सीबीआई लगातार उनके फार्म हाउस पर जा रही है, वहां से कई ऐसे कागज के टुकड़े मिले हैं जिसके बाद से अब लगभग तय हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर मिस्ट्री में कौन सा ऐसा राज है जिसके बाद पूरी दुनिया में अब तहलका मचने वाली है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से जो बातचीत की है, ये बातचीत 5 जून की है और उनके बीच ये आखिरी बातचीत है और बातचीत महज 3 सेकंड की। 3 सेकंड की बातचीत में आखिर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को क्या कहा, ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन मैं इसके पहले आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि ये कॉल कब गया। जी हाँ, 5 जून को रात 9:02 पर रिया चक्रवर्ती के पास HDFC बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है। फिर तुरंत 9:03 पर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को कॉल लगाती है और उस कॉल में महज 3 सेकंड बातें होती है। और बताया जा रहा है कि इसका तार उन 8 लोगों से है जिनका ऑडियो टेप सीबीआई के हाथ में लगी है। सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट से ये गुजारिश की है कि 8 व्यक्ति जिस पर उनको शक है, जिस पर बता जा रहा है कि उनको इस बात का शक है कि वो उसी व्यक्ति का ऑडियो टेप हो सकता है, मुंबई हाईकोर्ट से उन्होंने इस बात की इजाजत मांगी है कि उन 8 व्यक्तियों की आवाज का सैंपल मुझे दिया जाए और उस आवाज के सैंपल के जरिए उस ऑडियो टेप को मिलान किया जाएगा और फिर कातिल का पता लगाया जाएगा। ये वाकई में काफी अहम है। 3 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग और 8 लोगों के ऑडियो टेप ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खेल ही बदल दिया है। लेकिन जिस तरीके से 8 लोगों के ऑडियो टेप और रिया चक्रवर्ती के 3 सेकंड वाले कॉल रिकॉर्डिंग और फिर HDFC का मैसेज आया, ये वाकई में कई सवाल खड़े करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने ये संगीन आरोप लगाए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के 17 करोड़ रिया चक्रवर्ती और उनके करीबियों ने हड़पे हैं। और अब HDFC की तरफ से जो रिया चक्रवर्ती को मैसेज आया, वाकई में सवाल खड़ा करता है कि सुशांत मामले में क्या रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा हाथ है? क्योंकि HDFC से मैसेज आना, फिर रिया चक्रवर्ती का सुशांत को कॉल जाना और महज 3 सेकंड बातें होना, क्या ये पूरा एंगल पैसों पर जाकर टिकता है? क्या वाकई सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पीछे पैसों का एंगल है? ये जांच का विषय है। दोस्तों, सत्य की हमेशा विजय होती है। ऐसा लग रहा है कि सुशांत का कातिल जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।